दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया के खास कार्यक्रम में परिचर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है नई मुंबई महानगर पालिका चुनाव, वार्ड आरक्षण, वार्ड प्रभाग की रचना और नई मुंबई के विकास से जुड़े हुए तमाम मुद्दे। और इन मुद्दों पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान हमने आमंत्रित किया है, जो हमारे पहले मेहमान है, एनसीपी के नेता हैं और वासी क्षेत्र के ब्लॉक का अध्यक्ष हैं, विक्रम शिंदे, राजू शिंदे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे दूसरे मेहमान नई मुंबई के बीजेपी जिला अध्यक्ष और सीनियर लीडर रामचंद्र घर साहब हैं। घर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे तीसरे और आखिरी मेहमान है शिवसेना नेता और शहर प्रमुख विजय माने साहब। माने साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम सवाल की शुरुआत इसी से करते हैं कि नई मुंबई महानगर पालिका चुनाव होने वाला है, उसके लिए प्रभाग रचना की घोषणा हो चुकी है। हालांकि अभी कुछ समय बाकी है जिसमें आपत्तियां और शिकायतें मंगाई जा रही हैं, लेकिन इस प्रभाग रचना को लेकर महानगर पालिका चुनाव से पहले ही बड़ा विवाद पैदा हो गया है। बीजेपी का कहना है कि महाविकास आघाड़ी के जो घटक दल हैं उन्होंने प्रभाग रचना में धांधली की है। तो हम इस परिचर्चा की शुरुआत इसी सवाल से हम करना चाहते हैं। घर साहब, सवाल सबसे पहले आपसे ही है। राज्य सरकार ने, एक तो चुनाव देर हो रहा था, उस चुनाव को जल्दी कराने के लिए प्रभाग रचना की घोषणा हुई, लेकिन आप लोगों ने उस पर भी सवाल उठा दिया कि प्रभाग रचना में धांधली हुई है। आखिर कैसे, आप कैसे, किस आधार पर आप लोग कह रहे हैं कि धांधली हुई है? बहुत बड़ी धांधली इस प्रभाग रचने में हुए है। आप बोल रहे हो कि लेट हो रहे और जल्दी कर रहे हैं, जल्दी नहीं कर रहे, बहुत लेट कर रहे हैं। अच्छा। और दूसरी बात, धांधली इतनी बड़ी हुई है कि ऐरोली मतदार संघ में 19,000 से 25,000 के बीच में पूरे प्रभाग बने हुए हैं। वहां से हम वासी आते हैं, वासी की तरफ से हम आगे निकलते हैं सिबिड़ी तक, 30,000, 31,000, 29,000 बड़े बड़े प्रभाग बनाए हैं। तो इसमें ही दिख रहा है कि जो 11 ने वार्ड बढ़ गए उसमें तो खाली दिगा में ही 6 वार्ड बढ़ गए। ये कौन सी रचना है? ये रचना इसी बारे में, इसीलिए उन्होंने की है कि कैसे किसी भी तरह हमारे कॉर्पोरेटर कैसे ज़्यादा चुनेंगे, हमारे खास कॉर्पोरेटर जो है वो कैसे इजी चुनेंगे, वो नज़र में रखते हुए उन्होंने ये सब रचना की है। और ये बहुत गलत रचना है, उसके ऊपर तो ऑब्जेक्शन तो बहुत सारे आया है, आएंगे भी, अभी शुरू होएंगे 14 तारीख से। तो मेरे को लगता नहीं कि ये फ्रीडम से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये वन साइड इलेक्शन लड़ने का देख रहे हैं। इनके हाथ में आज सत्ता है, सत्ते का दुरुपयोग करके ये सब धांधली कर रहे हैं। और जनता सब जानती है, नागरिक बहुत होशियार है, कितने भी इन्होंने धांधली की फिर भी दादा गणेश नायक साहब, उनकी जो छवि है, अभी हमारे आमदार मंदाताई मात्रे उनकी जो छवि है, जो विकास के विजन में ये लोग लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े विकास के विजन वो ला रहे हैं, उससे सब जनता को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी एक में वो पार्टी है जो नवम्बर का विकास करेगी। और किसी भी हालत में ये जनता भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगी और भारतीय जनता पार्टी का पुनः एक बार महापौर बनेगा। माने साहब, क्या कहना चाहेंगे? सरकार आपकी है, आप प्रमुख घटक दल है महाविकास आघाड़ी के, और सवाल आपके ही नेता पर उठाए जा रहे हैं कि पालक मंत्री एकनाथ शिंदे के मार्गदर्शन में ये सारी धांधली हो रही है। जैसा कि खुद गरज साहब ने आपके ऊपर भी कहा कि आप कोशिश कितनी भी कर लीजिए लेकिन जीतेगी बीजेपी। आमचे मित्र गरज साहेबांनी जे सांगितलं ती साफ गोष्ट चुकीची आहे। कारण जर असं जर असेल, जर मंत्री महोदय किंवा इतर मंडळी जर प्रभाग किंवा पॅनल बसवायचं काम करत असतील, मग प्रशासन कशाला आहे? मग गेली 25 वर्ष, जसं त्यांनी सांगितलं नाईक साहेबांच्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणी सत्ता येणार आहे, मग 25 वर्ष ही मंडळ हेच करत होते का? तसं काही झालेलं नाही। म्हणजे अगदी घर साहेबांना माझी विनंती आहे की प्रशासन ज्या वेळेला, निवडणूक आयोग हा विषय वेगळा, आणि असं जर असतं तर आज नेरूळमध्ये पण बघितलं असेल, आमचे पण वॉर्ड तुटले, मग आम्ही कोणावर घ्यायचं? आणि शासन आहे, शासनामध्ये जर असं पॅनल बसवायची किंवा वॉर्ड बसवायची ताकद असते आणि आमचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांचं नाव घेतात ही मंडळी किंवा नाटा साहेबांचं, तर माझी त्यांना विनंती आहे, हे जे प्रशासन आहे, प्रशासन निवडणूक आयोग मी काही कॅन्सलच केलं असतं ना, त्याची काही गरजच नव्हती। आणि जर अशा जर सरकारनी किंवा कुठल्या नेत्यांनी, पालकमंत्री महोदयाने जर हे केलं असेल तर हे साफ चुकीचं आहे। मग गेली 25 वर्ष तुम्ही सत्ता भोगत होता, त्यावेळेला कुठे आमच्या वॉर्डमधले 10-10, 20-20 हजार मतं दुसऱ्या वॉर्डमध्ये टाकायचे आणि ती निवडून, मग गेली 25 वर्ष तुम्ही हेच धांधली करून सत्ता भोगली का? मग जनतेने काय बोलायचं? आणि जसं गरज साहेब बोलले की नाईक साहेबांच्या नेतृत्वात सत्ता येणार, पण आम्ही सांगतो की नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये महाविकास आघाडी सत्ता आहे, आमच्या सर्व महाविकास आघाडीचे नेते मंडळी, मुख्यमंत्री उद्धव साहेब असतील,
असतील, अजित दादा असतील, सर्व काँग्रेसचे मंडळी असतील, ही मंडळी आम्ही एकत्र काम करतो आणि हे कुठेतरी बीजेपीला बघवत नाही. म्हणून मी अगदी नवी मुंबईतील नागरिकांना एवढंच सांगतो की मग जर आत्ता जर तुम्हाला धांधली केली वाटत्या महाराष्ट्र सरकारने, मग एवढ्या वर्ष 25 वर्ष तुम्ही एवढे सत्ता भोगली या अशाच गोष्टी केल्या का? त्यामुळे मी अगदी हे साफ चुकीचं आहे आणि प्रशासन हे काम करत असतं. तुम्ही बघितलं असेल नवी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त असतील, त्यांची मंडळी असतील आणि निवडणूक आयोग असेल, हेच पॅनल बसवतात. त्याच्यामध्ये ह्याच्यामध्ये धांधली बिंदीचा काही विषय नाही. आणि राहिला जसं घरत साहेबांनी सांगितलं की सत्ता तुमची आहे, पण आम्ही अभिमानानं सांगतो की महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवसाहेब असतील, पवारसाहेब असतील, अजितदादा यांच्या नेतृत्वाखाली नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये आमचे सर्व नेते मंडळी आणि सर्व महाविकास आघाडीचे सर्व आम्ही मंडळी या नवी मुंबई महानगरपालिकेवर महाविकास आघाडीचा झेंडा फडकल्याशिवाय राहणार नाही. आणि जे काही घरत साहेबांनी सांगितलं ते साफ चुकीचं आहे. जर अशा गोष्टी होत असत्या मग निवडणूक आयोग किंवा प्रशासन कशाला, मग तिथं कुठेतरी शिवसेनेचा एखादा कार्यकर्ता आयुक्तच्या जागेवर बसवला असता. सवाल तो यही आहे ना की जो कहा जा रहा है प्रशासन जो है मंत्री की सुन रहा है. गणेश साहब आपके ऊपर उन्होंने प्रतिप्रश्न खड़ा किया है कि ये जो कहा जा रहा है पूरा निराधार, ऐसा कोई अर्थ नहीं. अगर ऐसा है तो 25 साल आपके जो नेता थे वो भी सत्ता में, तो क्या उन्होंने ऐसा ही किया क्या? ऐसी धांधली 25 साल में देखी ही नहीं. कई सेपरेट जो कई खास वार्ड है वो वार्ड की संख्या सीमित कर दी. कई खास एरिया है उस वार्ड में नए नगर सेवक के वार्ड बन गए. ऐसी धांधली कभी हुई नहीं है. अगर होती, अगर ऐसी धांधली तो ये लोग चुप बैठते क्या? ये तो बहुत बड़ी धांधली है. अभी इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं. अभी इनके खुद के प्रभाग में 27,000 की पॉपुलेशन, इसके इनके बाजू में 31,000, उनके बाजू में 30,000, इनको ही 27,000 की दी हुई है. क्योंकि ये इजी चुन के आए, ये सब मकसद है. इसके लिए ये सब दिख रहा है, नागरिक सब देख रहे हैं, जनता सब देख रही है. और जनता पूरी हुई पूरी अभ्यास के साथ, पूरी स्टडी के साथ इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगी. अश्विन जी साहब क्या कहना चाहेंगे? आप खुद नगर सेवक रह चुके हैं और आप गणेश नाइक के साथ भी रह चुके हैं. ये जो धांधली है वो आपको किस तरह से नजर आ रही है? आपके ऊपर खुला एक तरह का है कि भाई ये जो पैरामीटर्स तय किए गए कि कहीं पर 21,000 की आबादी है, कहीं पर 27,000 है, तो कहीं 30,000 है, तो जब ट्रांसपेरेंसी के साथ चुनाव कराने की सरकार की मंशा है तो फिर इतना पैरामीटर्स में इतना डिफरेंस क्यों है आबादी में? सबसे पहले तो एक बात, मैं TV1 का धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रकार की ओपन चर्चा करने का नियोजन आपने किया. हमारे मित्र रामचंद्र घरत जी ने बताया कि धांधली हुई है. मेरा इसके विपरीत कहना है कि आज यहाँ पर प्रशासक है, आज कमिश्नर नहीं है. आज यहाँ पर 2 साल से प्रशासक है और मेरा 100% एक दावा है कि प्रशासक एक न्यूट्रलाइज प्रोसेस के माध्यम से इलेक्शन का प्रोसेस होती है. अगर जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि 21,000, 15,000, 14,000, 19,000 जो भी है, 21,000, 25,000, 27,000, 31,000, लेकिन मेरा उसके विपरीत कहना है कि मेरे हिसाब से 25,000 से लेके 30,000 के दरमियान पॉपुलेशन का रेशो रखा जाता है. उसमें 27,000, 30,000 का डिफरेंस 15-15% अप एंड डाउन हो सकता है, क्योंकि एकदम एग्जैक्टली आप काउंट फिगर पॉपुलेशन काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये वोटर्स नहीं है, ये पॉपुलेशन है. वोटर की संख्या इसके बाद में होती है. पहले तो पॉपुलेशन के माध्यम से जो बाइफर्केशन ऑफ 122 वार्ड को पूरा डिवाइड करके, जिस प्रकार से अभी 40 और 41 ऐसा जो रेशो आया है, उसके माध्यम से ये 3-3 वार्ड के हिसाब से किया गया है. और उसमें आप देख सकते हो कि जब 25,000 से 27,000, अगर यही धांधली अगर इनका आरोप है, तो मेरा तो दावा है कि इसके पहले जितनी बार इलेक्शन हुआ है तो किधर 2600 वोट के ऊपर, और जिधर 12,000 वोट है, 10,000 वोट है, 13,000 वोट है, और 2300, 2600, 3500, 3500, 4200 ये वोट के मतदार संघ बने ही कैसे थे? इसका मतलब धांधली की शुरुआत किसने की? उधर इस वक्त तो उल्टा पारदर्शकता है कि आज 25,000 से समझो 25 में 2,000 ऊपर नीचे है, ना कि 10,000 का डिफरेंस नहीं है. और सबसे बड़ा है कि ये ज्योग्राफिकली काउंटिंग करके पॉपुलेशन का सर्वे करने के बाद में ये सब चीज़ें की गई है. और इसमें नियरेस्ट किसको काटना, किसको ये करना, वो तो जनता फाइनल करेगी. और ये विकास के बारे में जो बताया गया है, क्या यहाँ पर हमेशा से लेकर, मैं 2000 में नगर सेवक बना वो टाइम से लेकर लास्ट तक यहाँ पर आघाड़ी सरकार का ये था. वहाँ के मुख्यमंत्री कांग्रेस पक्ष के थे, उप मुख्यमंत्री राष्ट्रवादी पक्ष के थे, और उनके माध्यम से पूरा विकास. क्योंकि आज आप भी जानते हो कि आज जो दावा ये करते हैं, जो भी दावा करते हैं, मैं कोई आमदार जो मंदाताई के बारे में मैंने देखा है कि उन्होंने बहुत सारे इशू लिए, लेकिन उन्होंने अच्छे अच्छे जनहित में विषय लिए गए हैं. और उनको जो सैंक्शन करने की पावर है वो पालक मंत्री उद्धव साहब होंगे, अजीत दादा होंगे, दादा हैं और मुख्यमंत्री साहब हैं.
बालासाहेब थोरात साहब हैं, इन्होंने ना कि ये कोई पक्ष के लोगों के लिए समर्थन नहीं दिया है, वो विषय जो नवीन भाई के निगड़ित थे, आज अगर इतने सालों तक भी ये प्रलंबित प्रश्न थे तो क्यों प्रलंबित प्रश्न थे? मेरा तो ये दावा है कि सत्ता किसकी थी, किसके पास थी, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। नवी मुंबई के लोगों को विकास होना चाहिए, और विकास अगर प्रलंबित थे तो वो क्यों प्रलंबित थे? और आज सैंक्शन करने के वक्त आज यहाँ पे सरकार में कौन बैठा है? कोई व्यक्तिगत इंसान कोई चीज पास नहीं कर सकता है अनलेस अंटिल कैबिनेट की मान्यता हो। कैबिनेट ने हमेशा लोगों के हित में चाहा है, और यहाँ के आमदार कौन है वो उसकी तरफ नहीं देखा गया है। लोगों के हित में क्या होना चाहिए उसका डिसीजन लेने का काम और काम सिर्फ महाविकास आघाड़ी ने ही किया है। और ये मूल तो ये शहर की वसाती यहाँ पर जो प्रकल्प ग्रस्त हो या जो नवी मुंबई शहर का नियोजन करने का काम यशवंत सिंह चौहान साहब के बाद में यहाँ पर हमारे सन्मान्य सर्वे सर्वा राष्ट्रपति पक्ष के सन्मान्य शरद जी पवार साहब ने इसका नियोजन किया था, और हर शेतकरी को हर घटक को उसका न्याय मिले ये भूमिका भी आज तक उनकी ही थी, और आगे भी भविष्य में वही निर्णय पूरा करेंगे। घर साहब सिंधे साहब खुले तौर पर ये कह रहे हैं कि गणेश अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इससे पहले गणेश नाइक जी ने बहुत बड़ी धांधली की है, एक तरह से इनका पूरा क्लियर इशारा है। दूसरी चीज विकास को लेकर जो बड़ा मुद्दा उठ रहा है कि विकास किसने किया है, क्या महागाड़ी सरकार ने किया है, और कहा जा रहा है कि भाई नवीन भाई के शिल्पकार गणेश नाइक है। एक तरफ तो आपकी पार्टी कहती है कि विकास हमारे नेता ने किया है, और दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी का दावा है कि सारा का सारा सरकार ने किया और प्रशासन ने किया है। सर पहले तो बात यह है कि धांधली की जो बात चल रही है, 25 से लेके 30 के बीच में, 19 से लेके 30 के बीच में जितने भी प्रभाग बने हुए उसी प्रभाग में 8 नए नगर सेवक बन गए। आपको अगर 11 नगर सेवक नए बनाने हैं तो दोनों विभाग में दोनों अंग देना चाहिए ना, फिर वहां पे छोटे छोटे प्रभाग बन रहे, वहां पे दूसरे नए क्यों बना रहे हो? वहां पे भी बनाओ ना 30 का, पूरा 30 का एवरेज बनाओ और 50-50 करो ना। ये धांधली का एक भाग है, उन्होंने की हुई भी है। विकास के मुद्दे के ऊपर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे बहुत सालों से 15 साल से पालक मंत्री गणेश नाइक साहब है। अगर प्रशासन ये करता है तो आमदार के साथ आमदार का जो ठहराव जाएगा, आमदार का जो वहाँ पे उठेगा सवाल, उसके ऊपर ही प्रशासक काम करता है। तो एक तो पहली बात तो हमारे आमदार दो आमदार हैं, मंदाताई दूसरी बार है, और एक मंदाताई भी तीसरी बार है, यहाँ पे गणेश नाइक साहब चौथी पांचवी बार है। तो ये सारा विकास जो हुआ है अगर प्रदेश से होता है, शासन से होता है, तो इनके दो आमदार को ये बेनिफिट जाता है। आज मंदाताई ने सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल लाया है, सीनियर सिटीजन के लिए बहुत बड़ा वहाँ पे वास्तु बन रही है, लेबोरेटरी बन रही है, क्या क्या बना रही है। नाइक साहब यहाँ पे कितने बड़े बड़े काम किए उन्होंने, तो विकास का अगर पूरा बेनिफिट किसको जाता है तो ये नाइक साहब और मंदाताई को जाता है। दूसरी उन्होंने बात की कि प्रकल्प अगस्त की जो बात उन्होंने निकाली कि अभी तो हमारा तो काम होने जा रहा है, सब जितना भी काम किया शरद पवार ने किया है, तो शरद पवार साहब ही तो इस महाराष्ट्र के ऊपर राज कर रहे, तो इतने साल क्यों लगे प्रकल्प अगस्त को, इतने साल लगने की जरूरत क्यों फिर? अगर उन्होंने सारा काम किया तो उन्होंने अटकाने का काम किया, नाइक साहब को अटकाने का काम किया, इसीलिए प्रकल्प अगस्त का काम रह गया। ये तो मैं पूरी तरह जान रहा हूँ। इसके लिए सेने का तो रोल उसमें है नहीं, क्योंकि सेना सत्य पे थी नहीं, सत्य पे तो ज़्यादातर शरद पवार साहब ही थे। शरद पवार साहब ने एक वक्त तो बोला था बीच में कि हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं लेकिन कांग्रेस के जो CM है ना उसके हाथ को लकवा मारा है, वो सही नहीं करता है। तो पालक मंत्री क्या करेंगे? गणेश नाइक साहब भी तान आ गए थे, पृथ्वीराज चौहान के बारे में उन्होंने कहा था। हाँ, तो ये सब लकवा मारा है, मतलब इस महाराष्ट्र में ये नवम्बे के प्रकल्प के ऊपर अन्याय करने वाले कांग्रेस और राष्ट्रवादी, ये दो पार्टियां, ये दो पार्टी ने उसके ऊपर अन्याय किया है। या के पारदर्शक तरह से पूरे इसके साथ गणेश नाइक साहब लगे हुए थे, लेकिन अगर जो CM रहता है, जो मेन आदमी रहता है, उसके हाथ को अगर लकवा मारता है तो सैन कौन करेगा? मैं सिंधु साहब उनसे उनका आप उसमें उसके आपका जवाब चाहिए, उसके बाद मैं माने साहब के पास जाऊंगा क्योंकि आपका बड़ा सवाल है। सबसे पहले तो एक चीज मैं बता देना चाहता हूं इनको कि अगर वो विषय होता तो आज महाविकास आघाड़ी का ही सरकार है, पवार साहब के नियंत्रण में ही उप मुख्यमंत्री राजीव दादा हो, मुख्यमंत्री साहब हैं, उद्धव साहब हैं और बाला साहब थोरात हैं। आज फिर इस फटाफट क्यों रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट फास्ट पास हुए, क्यों आज PAP के लोगों को सैंक्शन हुए? PAP आपको नहीं मालूम है तो देख लीजिए जाके MIDC में, बहुत सारे जो प्रलंबित प्रश्न थे PAP के प्लॉट के बारे में लोगों को दिए गए हैं और अलॉटमेंट भी स्टार्ट हो चुकी है।
और मच्छीमारों के बारे में जो मंदाताई ने जो विषय लिया है, आखिर हर चीज घूम के कैबिनेट से आती है। अगर वो उद्देश्य अगर होता तो लोगों के काम नहीं होते थे। और सबसे पहला विषय है कि मुझे नहीं लगता है कि 15 साल में पूरे हिंदुस्तान में एक में नवीन भाई शहर ऐसा था कि जहाँ पर पूरी पावर उस वक्त के नेता को दी गई थी और साहब ने उनके माध्यम से जो जो अच्छे काम किए थे उस वक्त वो सब राष्ट्रवादी और आघाड़ी सरकार के माध्यम से थे। वो आघाड़ी सरकार के पालक मंत्री थे, यहाँ के मंत्री महोदय थे, यहाँ का मेयर आघाड़ी सरकार का था, यहाँ के जो भी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हो, यहाँ के खासदार उस वक्त में यहाँ पर थे, तो उन्होंने जो भी माध्यम से काम किए गए थे वही थे। और अभी जो मंदाताई जो काम कर रही है, मंदाताई इसके पहले भी अगर वो विषय होता तो 15 साल से आमदार कौन थे? मंदाताई तो पहली बार आमदार राष्ट्रवादी से हुई थी, फिर बाद में भाजपा से हुई, लेकिन उनका काम करने का तरीका अच्छा है। उन्होंने कभी भी कोई चीज़ का ईगो नहीं किया है। पार्टी इलेक्शन में वो भले आमदार भाजपा की हो, लेकिन आज लोगों के हित में आज वो सरकार के कोई भी मंत्री के पास वो जाकर आज काम करती है। तो मतलब मैं मंदाताई का आभार मानता हूँ एक नागरिक बोल के, एक आमदार बोल के, कि पक्ष विरहित काम करना अगर चाहिए तो सबसे पहले तो आज क्यों काम हो रहे हैं? अगर आज काम अटकाना होता तो आज भाजपा के आमदार है काम ही नहीं करते थे। सरकार का उद्देश्य हमेशा पारदर्शक रहा है और आप सबको न्याय, आप कौन सी पार्टी उस वक्त जो पार्टी में थे, आपके विपरीत वो पार्टी में थे। अगर काम उस वक्त यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर वन मैन डिसीजन लेने का अधिकार पूरे महाराष्ट्र में था तो उस वक्त ये मंत्री महोदय को था। तो आप क्या, आप गणेश राय की भूमिका को आप कैसे नकार सकते हैं? क्या उन्होंने कुछ भी नहीं किया ऐसा कहा जा सकता मैंने है? तो मैंने, सरकार ने किया तो अगर मैंने, मैंने, तो अगर मैंने अगर यहाँ की थोड़ी देर पहले मेरी स्टेटमेंट आपने सुनी होगी तो नवीन भाई का विकास में जो मंत्री महोदय ने काम किया था उस वक्त वो आघाड़ी सरकार के मंत्री थे, इंडिविजुअल कोई अपक्ष या कोई चीज के मंत्री नहीं थे। और उद्देश्य ये मेरा क्या कहना है आप नहीं समझ रहे हो अभी तक। जिस वक्त आघाड़ी सरकार थी, महाविकास आघाड़ी है, उस वक्त भी उनका काम लोगों के हित में करने का उद्देश्य था, ना कि कोई इंडिविजुअल एक फैकल्टी का काम नहीं करना था। अगर वही उद्देश्य तो था, आज भी वही साहब है, पावर साहब के नियंत्रण है, उद्धव साहब है, भले ही उद्धव साहब उस वक्त युति में थे, लेकिन आज यहाँ के सर्वे सर्वा है महाराष्ट्र के। तो ये तीनों घटक का एक ही विषय है कि यहाँ पर निर्णय और लोगों के हित में निर्णय होना चाहिए। आमदार कौन से पार्टी का वो नहीं है, सैंक्शनिंग अथॉरिटी कैबिनेट मिनिस्ट्री की है, राज्य शासन की है। उस प्रकार से उन्होंने बहुत अच्छे निर्णय लोगों के हित में लिए हैं, ना कि व्यक्ति के हित में। अगर व्यक्ति के हित में होता तो विषय होता ही नहीं था। बिलवानी साहब, मेरा सवाल आपसे है, आपके तो नेता पालक मंत्री यहाँ के नगर विकास मंत्री हैं, ये विकास थाने और दूसरे इलाकों में क्यों नहीं दिखता जहाँ का वो पालकत्व संभाल रहे हैं? वजह क्या है कि जो विकास गणेश नाईक के नेतृत्व वाले सिटी में दिख रहा है वो विकास वहां पर उस तरह का नजर नहीं आता? विकास आता घरत साहेबांनी सांगितलं, विकास विकास म्हणजे नक्की काय? आज ही तशी नवी मुंबई शिडकोनी वसाहत विकसित केली होती आणि जसं राजू भाईंनी सांगितलं की 25 वर्ष तुम्ही या नवी मुंबईमध्ये सत्ता भोगत होता, आमदार होता, पालकमंत्री होता, 25 वर्ष काय कामं झाली नाही हे नवी मुंबईतील नागरिकांना माहीत आहे। आणि गेल्या 2-3 वर्षामध्ये ज्यापासून महाविकास आघाडी सरकार आलं आहे, आज तुम्ही खासदार राजन विचारा साहेब असतील, शिंदे साहेब असतील, नाटा साहेब असतील, 1000 करोडची या नवी मुंबईमध्ये कामं चालली, ती कुठून आली? आता जसं राजू भाईने सांगितलं, मंदाताई मंदाताई ह्या बीजेपीच्या विरोधी पक्षाचे जरी आमदार असतील तर करोड रुपयाचा निधी देण्याचं काम महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून उद्धव साहेब हे पक्षविरोध काम करणारं नेतृत्व आहे। आणि विकास विकास म्हणजे नक्की काय? आज नाईक साहेब 25 वर्ष सत्ता भोगतात, महानगरपालिका भोगतात, एक महानगरपालिकेचं जो हॉस्पिटल होतं ते पण तुम्ही देऊन टाकलं, म्हणजे नक्की नवी मुंबईतील नागरिकांना माहीत आहे की तुमचे दोन्ही बीजेपीचे आमदार असून शिवसेना महाविकास आघाडी सत्ता आहे तरी तुम्हाला करोड रुपयाचा निधी येतोय, मग 25 वर्ष तुम्ही हॉस्पिटल का आणलं नाही? आज मंदाताई राजू भाईने सांगितलं, मंदाताई हे चांगलं काम करतात, मग ते पक्षविरहित, आम्ही पण तसं त्या शिवसेना बीजेपीच्या कार्यकाळातच आमदार झालेत, पण आज ते एवढं चांगलं काम करतात। आज हॉस्पिटल, हेच जर नाईक साहेबांनी त्यावेळेला 25 वर्ष सत्ता भोगत होते, महानगरपालिकेचं एक चांगलं हॉस्पिटल ते पण फोर्टीला अर्ध देऊन टाकलं, आज महानगरपालिकेचं हॉस्पिटल या 2 वर्षामध्ये 1000 बेडचं हॉस्पिटल तयार केले, कुणी केली? पालकमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब असतील, खासदार राजन विचारा साहेब असतील, नाटा साहेब असतील आणि महाविकास आघाडी सर्व कार्यकर्ते। त्यामुळे नवी मुंबई ही विकसित केली ही शिडकोनी केली। नवी मुंबईतील नागरिकांना सर्व हा विषय माहिती आहे। गरज साहेब, चुकीचं एवढंच वाटतं की तुम्ही 25 वर्ष सत्तेत होता, एक हॉस्पिटल नवी मुंबईला देऊ शकला नाही, जे होतं ते पण हॉस्पिटल तुम्ही फोर्टीजला देऊन टाकलं। त्यामुळे विकास म्हणजे नक्की काय?
आणि विकास कोण करते हे महाविकास आघाडीच्या सरकारने केलेलं नोव्हेंबरतील सर्व नागरिकांना 15 लाख नागरिकांना माहिती आहे की आज विकास कोण करते. मग त्यावेळेला त्यांना सत्ता दिली होती, सत्तेमध्ये फक्त पदं भोगायची. आज खासदार संजू नाईक साहेब पण खासदार होते, त्यावेळेला हे रोड बीड हे ब्रिज खासदाराचा निधी पण नोव्हेंबरतील नागरिकांना माहीत नव्हता. पण आज राजन विचारे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली तुम्ही बघितलं असेल महानगरपालिकेमध्ये 1 करोड रुपयाचा निधी या महानगरपालिकेत आलाय. त्याचं कारण की खासदारांनी निधी नोव्हेंबरतील नागरिकांना माहितच नव्हतं. पण गेले 10 वर्षामध्ये राजन विचारे साहेब असतील आणि महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून 1000 करोडचा निधी या नोव्हेंबरसाठी आलेला आहे. कारण का आतापर्यंत कधी महाराष्ट्र सरकारचा निधी जायचा नाही, हे महानगरपालिकेचं गटर मीटर वॉटर एवढीच कामं करायची, पण मोठी कामं केलेली कुठं दिसली नाही. आणि महाविकास आघाडी ज्या दिवशी उद्धव साहेब मुख्यमंत्री झाले त्या दिवसापासून शिंदे साहेब पालकमंत्री, त्या दिवसापासून नोव्हेंबरचा विकास तुम्हाला समज दिसेल नोव्हेंबरतील नागरिकांना. जबाब दीजिए विकास क्या है. सर मैं एक इनको सवाल पूछता हूँ, क्या किया 2 साल में बता दो. नी बॉम्बे के लिए 2 साल में क्या किया, करोड़ रुपये आया ना, बता दो क्या किया. बता तो बोला तो आता परवा दिवशीच खासदार साहेब आले होते, पालकमंत्री साहेब आले होते, तो रोड ब्रिज जो ऐरोली वरून एलिव्हेटेड रोड एलिव्हेटेड रोड का ओपनिंग किसने किया, भूमिपूजन किसने किया, आपने देखा. बराबर ओके आगे बोलो. आंबेडकर राजू भैया दुसऱ्या पक्षाचं आहे, काम आढळून ठेवायचं, विजय माने दुसऱ्या पक्षाचं आहे. तसं तर आता खासदार खासदार साहब जब संजू नाईक साहब थे तभी उन्होंने 1 रुपये का बजट निधि लाया क्या. नहीं राजन विचारे साहब ने मेरे वार्ड में 1 करोड़ का दिया, सोमनाथ के वार्ड में 1 करोड़ का, समाज मंदिर मैं बोल रहा हूँ. हमारे वार्ड में क्यों नहीं दिया, आपके वार्ड में जाओ ना तुम लेटर. तो मेरा बोलने का बात वही है की जो 2 साल में महाविकास आघाड़ी ने जो काम किया, नहीं महाविकास आघाड़ी ने जो 2 साल में काम किया है वो कभी, ये तो 25 साल सत्ता भोग रहे थे. सर एक बोलो 25 साल में एक हॉस्पिटल भी बनाया गया भाई. सिंधे साहब घरत साहब का सवाल अभी भी अनुत्तरित है, आप जवाब दीजिए एक्चुअली 2 साल में क्या विकास हुआ. सबसे पहले तो आपको एक बताना चाहूँ कि ये 2 साल में अब 2 साल कंप्लीट हुए हैं, पैंडेमिक टाइम चल रहा है. तो पैंडेमिक के दरमियान में कोई भी चीज के स्टार्टिंग के समझो 1 साल तो कोई भी यंत्रणा कोई सिर्फ कोविड-19 के ही बारे में सोच रही थी और किसी को उस वक्त अपनी जान परवाह थी, अपने विभाग के लोगों के लिए सेवा करने का वक्त था और अपने से निगड़ित लोगों को किस प्रकार से सेवा देने का काम था. तो 2 साल में क्या किया वो विषय आता ही नहीं है, क्योंकि 2 साल का उन्होंने उनका विषय से बताया कि जो चीजें है कि सबसे पहले तो पैंडेमिक टाइम में कोई भी यंत्रणा ठप थी, इतर सबसे फोकस था पैंडेमिक से रिलेटेड हॉस्पिटल. और मैं ये चीज को मानता हूँ कि सबसे बड़ा अत्यधिक सेवा करने का काम कोविड सेंटर के माध्यम से शिड़को एग्जीबिशन में 1000 बेड के ऊपर और उसमें से बाकायदा मेरे को लगता है 300 के ऊपर ऑक्सीजन बेड, ये करने का काम पूरे महाराष्ट्र में किसी ने नहीं किया है. तो ये काम का भी श्रेय किसको जाता है, यहाँ के पालक मंत्री और खासकर यहाँ के कमिश्नर साहब को जाता है. यहाँ पर जितनी यंत्रणा जितने भी कोविड सेंटर पूरे न्यू मुंबई नवी मुंबई में थे उतने शायद ही कोई और शहर में थे. मेरे हर शहर अपने अपने तरीके से काम कर रहा था, हर कारपोरेशन अपने के साथ कार, लेकिन ये कालखंड में सबसे ज्यादा जो काम करने का काम आरोग्य विभाग होगा, प्रशासक बोलकर अभिजीत बांगर साहब हैं, पालक मंत्री जी थे, उसके अलावा पूरी ताकत देने का काम राजेश टोपे साहब ने किया. पूरे महाराष्ट्र में आप देख सकते हो कि 2 ही व्यक्ति घूम रहे थे, भले ही उद्धव साहब का जो नियंत्रण पूरे कोविड में था तो उसका भी श्रेय उनको जाता है. और ग्रास रूट पे घूमने का काम राजेश टोपे साहब हो, पवार साहब जैसे व्यक्तित्व 80 साल की उम्र में भी उन्होंने हर जगह पे पहुंचने का काम किया. काम सबसे बड़ी ये थी कि लोगों की जान बचाना सबसे बड़े काम था. और इसमें विपक्ष ने क्या भूमिका की आप देख सकते हो, इसमें से कितनी बार लोग कितने बार उतरे नीचे रोड पे ये आप बताइए मुझे. सबसे पहले तो काम से ज्यादा आज जो विकास जो आप सबसे पहले देख रहे हो, अभी जो वाटर सर्विस का काम है वो भी तो स्टेट गवर्नमेंट के इसके माध्यम से खादर साहब ने इसका पाठ पूरा हुआ किया है. देखो नारियल वाटर ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, उसके बाद में आज हॉस्पिटल का है. अभी मैं बताना चाहता हूँ मंदाताई का मैं फिर आभार मानता हूँ, लेकिन उसके 2 महीने पहले शिड़को की मीटिंग में ये मेरा खुद का एक पत्र में राष्ट्रपति पक्ष से दिया था कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना चाहिए. वो भी मैंने तो कहा था सुपर स्पेशलिटी नहीं एम्स की धरती पर होना चाहिए, संजय मुखर्जी साहब के साथ जो मीटिंग होती, लेकिन मैं ताई ने उसका पाठ पूरा बहुत अच्छी तरीके से किया और सैंक्शन किया. आपको मालूम है कि सैंक्शन करने के बाद में भी उसके ऊपर किसने कहा कि फ्री मिलना चाहिए, किसने कहा, अभी आप ही देखिए आपके पास रिकॉर्ड है वो फ्री मिलना चाहिए. लेकिन इसके पहले आपको मालूम होना चाहिए सिंधे साहब फ्री मांगने में हर्ज क्या है. सर सर मैं सरकार से अगर जनता के लिए फ्री में मांगा जा रहा है, कर रहा हूं ना, करेक्शन कर रहा हूं सर, मैं यही बोलता रहा हूँ. फ्री में दो ऐसे किसने बोला, पहले तो पहली बात तो ये कि आज अच्छी चीज मिल रही है. तो इसके पहले भी तुम सरकार में थे, दोनों साइड में थे,
कॉर्पोरेशन भी हमारी थी, राष्ट्रवादी भी सरकार भी हमारा था, फिर क्यों हमने हर चीज का पैसा भरने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को दिया? अगर आप यही बोलते हो कि गए टाइम क्या हुआ था, तो ये अगर सब बीओटी को चला जाता, आज हम खुद नवीनबाई शहर में हम भाड़ुतरी होते थे। घर सब प्रत्युत्तर मैं चाहूंगा आपसे, क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरह का संगीन आरोप? मैं घरत साहब के पहले एक बोलता हूँ। घरत साहब बोलते महाविकास आघाडी ने क्या काम किया, तुम्ही बघितलं असेल एवढे मोठमोठे हॉस्पिटल होते आयुर्वेदिकचे असे पडत होते राजूभाई येथे, बरोबर? ह्या जे 2 वर्षांमध्ये जसं राजूभाईने सांगले ते प्रत्येकाला प्रत्येक जीवाची काळजी होती, पण हे 2-3 मोठमोठे हॉस्पिटल होते, आयसीयू बेड नव्हता, बेड नव्हते, ऑक्सिजन बेड नव्हते, आणि त्या परिस्थितीमध्ये पालकमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब असतील, टोपे साहेब असतील, उद्धव साहेबांनी जर किंवा आयुक्त साहेबांनी, बांगड साहेबांनी जर ते काम केलं नसतं, आज नवीनबाई महानगरपालिकेमध्ये एवढं टॉप मोस्ट हॉस्पिटल आहे की तुम्ही प्रायव्हेटमध्ये जर गेला त्याच्यापेक्षा महानगरपालिकेचे हॉस्पिटल आहे। म्हणजे काम नक्की काय केलं हे मी घरत साहेबांना सांगतो। आणि त्या परिस्थितीमध्ये रस्त्यावर कोण उतरत होते, जसे शरद पवार साहेब, उद्धव साहेब, राजेश टोपे साहेब, आणि प्रत्येक महाविकास आघाडीचा कार्यकर्ता शिंदे साहेब तर दिवस दिवस रात्र रात्र ते वाशीचं एक्झिबिशन सेंटर, जे सिडको एक्झिबिशन सेंटर आहे त्या ठिकाणी 1000 बेडचं, आणि नवीनबाईमध्ये आज एवढं चांगलं 2 वर्षामध्ये काम केलं। घरत साहेब हे काम महत्त्वाचं होतं, हे जर तुम्ही 25 वर्षापूर्वी जर हॉस्पिटलची कामं केली असती तर आज आम्हाला हे कामं करावं लागली नसती। म्हणजे करोड रुपयाच्या बिल्डिंग बांधून 100-200 करोडच्या भारतवर्ष में पूरे वर्ल्ड में कोरोना की स्थिति में हॉस्पिटल करना ही था। यस, ये रहते या मैं रहता, मेरे को हॉस्पिटल सुविधा देनी थी, लेकिन इस हॉस्पिटल में सुविधा देने का जो काम है ना ठीक से हुआ नहीं। दोनों हमारे आमदार जागरूक है, दोनों हॉस्पिटल में आयरोली में भी और वासी में भी ऑक्सीजन प्लांट देने वाले, निधि देने वाले दोनों ही आमदार है। क्या पालक मंत्री दे नहीं सकते थे, क्या आरोग्य मंत्री दे नहीं सकते थे? लेकिन उन्होंने इस नवंबर महानगर पालिका के क्षेत्र के जनता को अपना समझा ही नहीं। आज पूरे 25 साल में 4 बार सभागृह में जाने वाले, महानगर पालिका के ऑफिस में जाने वाले हमारे पालक मंत्री इस बार 53 बार गए। हम लोग 10 दिन में जाते थे और हम लोग हर टाइम वो पूछते थे कि वासी के एग्जीबिशन सेंटर में उसकी बेडशीट कैसी है, उनका खाना कैसा है, उसके ऊपर कंट्रोलिंग करना का काम करते थे। और एक ही ऐसा आमदार है जो दोनों इसमें, लगभग महाराष्ट्र में ऐसे 4-5 आमदार है जो कोविड हॉस्पिटल में गए सीनियर सिटीजन होते हुए भी, गणेश नायक साहब सेक्टर 9 के वासी के हॉस्पिटल में खुद गए, उनको बोला गया कि आप अंदर मत जाइए, कोरोना के पेशेंट है। उन्होंने बोला कि मैं और मेरी टीम जरूर अंदर जाएगी, और हम लोग सब अंदर गए। एक ही है कि आरोग्य मंत्री को जाने सकते थे, पालक मंत्री जाने सकते थे, कुछ नहीं, खाली इनका पालक मंत्री थाना से आते हैं, कोई बारामती से आता है, कोई नागपुर से आता है, उनको न्यू बॉम्बे की जयंती की क्या पड़ी है? और दूसरी बात, इन्होंने ऐसा बोला है कि अगर गणेश नायक साहब ने कुछ नहीं किया है इतने सालों में, तो आज महाराष्ट्र में 2 नंबर की रहने वाली सिटी कौन सी है? देश की 2 नंबर की रहने वाली सिटी किसकी है? नवंबर। इसका बेनिफिट किसको जाता है? अंदर को जाएगा। अच्छा काम करेगा तो बोलते हैं कैबिनेट ने किया, और काम हुआ नहीं तो बोलते हैं आमदार का आपेश है। मतलब आमदार ने किया नहीं तो आमदार का आपेश, किया तो कैबिनेट ने किया, ये कौन सी दुटप्पी भूमिका होगी? शिंदे साहब आपसे सवाल मैं पूछना चाहूंगा। अब आपने पहले एक सवाल के जवाब में कहा कि पहले आप लोग मजबूत नहीं थे, अब मजबूत हो गए हैं। जाहिर सी बात है, 3 पार्टियों की सरकार है और सत्ता में है, तो मजबूती आ गई है। ऐसी मजबूती का फायदा नवीनबाई के विकास में आने वाले समय में जो चुनाव आ रहा है उसमें किन किन प्रमुख मुद्दों को लेकर आप लोग चुनाव लड़ेंगे, सबसे पहले, और विकास के क्या प्रमुख मुद्दे होंगे? सबसे पहले तो एक बात बताने, जो मजबूत नहीं थे वो विषय नहीं है मेरा। मैंने क्या कहा था, उस वक्त हम छोटे थे, मतलब कार्यकर्ता थे, हमारे नेता थे वो, बिल्कुल। तो आज भी मैंने, और दूसरा एक करेक्शन करना चाहता हूँ कि उन्होंने काम नहीं किया ये मैंने नहीं कहा है। मैंने हमेशा, आप मेरा रिकॉर्डिंग देख लीजिए, मैंने कहा कि कामों की जो व्यू रचना थी वो हिसाब से, वो गति से काम नहीं हुआ। इसका कारण मैं बताता हूँ। नियोजन छिड़को ने दिया था, नियोजित शहर हमारा दायित्व था कि हम लोग इसके मेंटेन करने का काम महानगर पालिका का था, और जो विषय हमारा था, मेरा वारंवार उस वक्त भी दावा था और आज भी मैं उससे मैं सटीक हूँ कि आयरोली हॉस्पिटल हो या नेरुल का हॉस्पिटल हो, क्यों नहीं हाईली सुपर स्पेशलिटी बनाते हैं, मेरा तो आज भी दावा है ना, आज उस वक्त भी था। मैंने नायक साहब को भी बहुत बार, मेरा निवेदन हमेशा वही रहा है कि सामान्य लोगों, फिर हमको वहाँ पे जाके फीस नहीं काटना है। आज जैसे FRU है, आज हमारा वाशी का जो जनरल हॉस्पिटल है, अभी भी मैं कहना चाहता हूँ
कि वो भी जो यंत्रणा से आज तक इतने लोगों को किया, आज वहाँ पे आईसीयू यूनिट है, ट्रॉमा यूनिट है, ट्रॉमा यूनिट और आईसीयू यूनिट का फुलफिलमेंट क्या होना चाहिए? वहाँ पे तुम्हारे पास कार्डियोलॉजिस्ट होना चाहिए, नेफ्रोलॉजिस्ट होना चाहिए, न्यूरोलॉजिस्ट होना चाहिए, है ही नहीं सुविधा नहीं है, क्या कहना नहीं है, एमडी मेडिसिन के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है हमारे पास, इसका मतलब आईसीयू और ट्रॉमा। फिर ये दिशापुर लोगों की क्यों करनी चाहिए? मैं तो हमेशा कहता हूँ कि वो चीज़ें सुपर स्पेशलिटी होनी चाहिए। तुमको पैसा आज 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 देख सकते हो कि 1850 डॉक्टर हमने भरे, लाखों करोड़ रुपया उसके ऊपर गया, उसके ऊपर किसी ने नहीं पूछा, क्यों नहीं पूछा गया? यहाँ के आमदार साहब थे, यहाँ के जो जो भी प्रतिनिधि है, क्यों नहीं पूछा गया? मेरा मैंने पूछा है कि मुझे 1850 लोगों का बाइफर्केशन हो चाहिए, तुम लोगों की आज लोगों को सुविधा चाहिए, सेवा चाहिए, तो तुम कंटिन्यू करो। लेकिन ये चीज़ें नहीं होती है, इसका मुझे दुख लगता है, क्योंकि वो लोग किधर कार्यान्वित है यही नहीं मालूम है। आने वाले भविष्य में नवम्बर शहर को जो सबसे बड़ा विषय है, ट्रैफिक से रिलेटेड है। और मैं धन्यवाद करता हूँ अघाड़ी सरकार का कि उन्होंने सबसे पहले तो रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट, हर वक्त हम देखते थे कि हमें खुद को लगाना पड़ता था बैनर, अभी हो रहा है काम, हो रहा है कल हो रहा है। गरज साहब तुम्हें पण विटनेस आहेत, आम्ही पण विटनेस आहे, परंतु प्रत्येक निवडणुकीला झालं। अगर यही विषय था तो आज क्यों हुआ साइन? आज प्रोजेक्ट साइन नहीं हुआ, निवडणूक आगे क्या आगे ना, सुनो ना, इसलिए साइन हो गया क्या? मैं बता रहा हूँ आपको, निवडणूक आले नाही, निवडणूक 2 वर्षापूर्वी आल्या, आता आले ना, तुम्ही करेक्शन करा साहेब, ह्याच्या पूर्वी तुम्ही लोकच होते, दर 5 वर्षांनी आले की आम्ही साइन करणार, एका व्यक्तीने सांगितलं होतं। मग एक मिनट मला बोलू द्या, तुम्ही बोलले ना, जवाब दीजिए प्लीज, कि कल्याण डोंबिवली के इलेक्शन में कहा गया था कि सीडी के ऊपर साइन करूंगा, सीडी के ऊपर नवंबर के सत्ता हमको दे, मतलब अगर तुमको लोगों ने सत्ता नहीं दी तो तुम साइन नहीं करोगे, मतलब लोगों के साथ खिलवाड़ करने का काम उस वक्त मुख्यमंत्री साहब ने किया था। क्यों किया था ये मैं नहीं बोलता, स्टेटमेंट है कि अगर तुम हमें सत्ता दो तो साइन करेंगे, तुम्हारा तुम्हारा पुनर्विकास होगा। अरे पुनर्विकास का कोई काम रोक नहीं सकता है। और मैं धन्यवाद करता हूँ पवार साहब को, अजीत दादा को, उप मुख्यमंत्री अजीत दादा जी हो या मुख्यमंत्री साहब उद्धव साहब हैं, बाल साहब थोरात हैं, और सबसे बड़ा तो है यहाँ के एकनाथ जी शिंदे साहब और राजन विचारे जी को मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सिर्फ सैंक्शन नहीं किया बल्कि सामान्य लोगों को न्याय देने का काम और प्रोजेक्ट चालू किए, प्रोजेक्ट चालू किए, अभी वहाँ पे प्रोजेक्ट चालू है। अगर हो तो देखें, मुझे तो ज़्यादा नहीं समझता है, सीसी मिल गया मतलब काम चालू हो गया और प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो गए हैं। तो मेरा यही दावा है कि देखो हमारा में कहते हैं ना कि सामने दिखाओ और बात करो, अभी हमने तो दिखा दिया, यहाँ पे काम चालू हुआ है, प्रत्यक्ष में काम चल रहा है। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या जो एसटीपी प्लांट है, उस वक्त हमने लाख हजार करोड़ रुपया खर्चा किया एसटीपी प्लांट पे। एसटीपी प्लांट पे खर्चा करने का उद्देश्य क्या था उस वक्त, कि उसके अंदर का जो सरप्लस पानी है वो नियरेस्ट ग्राउंड गार्डन बड़ी बड़ी सोसाइटियों को दिया जाए। लेकिन उस वक्त भी हमने कहा था, क्यों नहीं उस वक्त नियोजन हुआ, नहीं कर सके क्योंकि इंटेंशन नहीं था उस वक्त भी। और दूसरा मैंने हमेशा कहा है कि आज हमने हमने बड़ी बड़ी पाइपलाइन के काम किए, तो पैरेलल तुम जब एक बड़ी पाइपलाइन वाटर लाइन कर सकते हो, सीवरेज की लाइन का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर जो एसटीपी से निकलने वाला है उसका अगर उस वक्त नियोजन कर लेते तो ये चीजें अपने को आज अभी अभी तो सरकार आपकी है करेंगे ना, बता रहा हूँ ना, अभी ये एसटीपी प्लांट से निकलने वाला पानी का नियोजन होना चाहिए और उसका नियोजन करने का काम महाविकास आघाड़ी अवश्य करने का उद्देश्य रखेगी, लोगों के हित में है। और शहर के बीच में आज हम लोग मीठा पानी जो पीने लायक पानी है वो पानी हम गार्डन में यूज करते हैं, ग्राउंड में यूज करते हैं और जगह पे यूज करते हैं। अभी इन्होंने सर कहा कि ये सारी कामें हो रही है तो उसने बेनिफिट उनको इन्होंने किसको दिया? एक मिनट करेक्शन करता हूँ सर, बेनिफिट बेनिफिट का मतलब अगर श्रेय की बात कर रहे हैं, श्रेय मतलब बेनिफिट नहीं है सर, श्रेय का मतलब बेनिफिट इज डिफरेंट इशू, बेनिफिट कौन लेता है वो आपको मालूम है, मेरे को नहीं पता। सुनो सुनो सर, बेनिफिट किसको चाहिए वो आपको मालूम है, हम बेनिफिट की बात नहीं कर रहे हैं। अभी आपने मैंने बेनिफिट नहीं बोला, मैंने बेनिफिट नहीं बोला, जो बोला बेनिफिट नहीं, श्रेय दिया ना, श्रेय मिला है उनको, श्रेय इज डिफरेंट इशू और बेनिफिट अलग है सर। जो श्रेय इन्होंने अभी दिया, पालक मंत्री को दिया, मुख्यमंत्री को दिया, अजीत पवार साहब को दिया, शरद पवार को साहब को दिया, इनको अभी श्रेय दे रहे कि इतने रुके हुए काम अभी हो रहे हैं, तो जब रुके हुए थे तो ये लोग नहीं थे? मैं बता रहा हूँ सब थे ना, करेक्शन क्यों नहीं हुआ? मैं बता रहा हूँ तब क्यों नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ आप देखो, सुनो सुनो सुनो, मैं अभी 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 आपको जवाब दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको तभी तभी ये जानबूझ के होने नहीं दिया गया, क्योंकि शरद पवार जी साहब खुद परेशान थे, उन्होंने खुद ने बोला कि हमारे जो सीएम है उसके हाथ को लकवा मारा है, पैरालिसिस मारा है, वो सही नहीं करता है, इतने बड़े बड़े प्रकल्पग्रस्त का जो प्रॉब्लम है उसके लिए हमने 3 बार तो देवेंद्र से मीटिंग करवाई, क्योंकि उसको चीफ मिनिस्टर ही चाहिए, ये ऐसे छोटे काम नहीं है, उसको चीफ मिनिस्टर चाहिए।
तीन एक मीटिंग किया, हम लोग दो कदम आगे बढ़ चुके हैं अभी। अभी मस्त पैकी केक बना हुआ है, और केक बना हुआ है तो करो ना। उस टाइम उन्होंने पृथ्वीराज चौहान साहब ने जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि उसका बेनिफिट अगाड़ी को जाता है लेकिन राष्ट्रवादी को जाता है, कांग्रेस उससे बहुत परेशान होगी, ये देख के उन्होंने नहीं किया। तो ये सारी बात है ना, ये पार्सलिटी की बात है। अभी क्या हुआ है, अभी ये सारे लोग एक हो गए हैं, तो पहले इन्होंने जो रुकाया था अभी उनको करना बहुत क्रमप्राप्त हो गया, क्योंकि करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम तीनों हैं अभी, तो लोग क्या कहेंगे, अभी करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके इस स्टूडियो में 8 महीने पहले टॉक शो में आया था, आपको याद होगा, सम्माननीय हमारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हमारे मित्र हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष मोरे साहब मोरे साहब ने उस टाइम बोला कि प्रकल्प ग्रस्त का काम हो गया, मंडे को हम लोग नारियल तोड़ रहे हैं और उसका काम हो गया। तब मैंने मोरे साहब को आपके इस मंच पे बैठ के क्या कहा था, अगर 100 दिन में, अगर आने वाले 100 दिन में, अभी तो 8 महीना हो गया, अगर प्रकल्प ग्रस्त का नारियल फूटता है तो मैं संन्यास लूंगा, बोला था कि नहीं, बोला था आपने। आज उसको 8 महीना हुआ क्या, आज इलेक्शन आया है। अब इलेक्शन आते समय अभी इन्होंने आरोप किया कि गणेश नायक साहब ये बोलते थे, वो बोलते थे, ये बोलते थे, अभी ये नहीं बोलते हैं कि प्रकल्प ग्रस्त का काम हो गया, अभी कर देंगे। अभी इलेक्शन आए तभी, अभी देखो मराठी बोर्ड मुंबई में लगने का था, जब से मुंबई बनी तब से शिवसेना राज कर रही है, तो मराठी बोर्ड अभी देखा, और एक वक्तत्व आ जाएगा, अभी रुके, और एक ऐसा वक्तत्व आएगा शिवसेना की तरफ से कि अभी ये मुंबई गुजरात को जोड़ने वाले हैं, हर 5 साल में आता है वो, अभी भी आएगा, अभी भी आएगा, इलेक्शन है। मैं आपसे जवाब चाहता हूं कि ये सच्ची बात है कि उन्होंने ऐसा कहा था विठल मोरे साहब ने कि 100 दिन के अंदर ऐसा हो जाएगा, बात तो उसकी नहीं, मंडे को होएगा। हाँ, मंडे को होएगा। अब आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, अभी तो आपकी सरकार है, अभी तो आपके ही नेता मुख्यमंत्री है, पालक मंत्री है, नगर विकास मंत्री है, इतने सारे प्रोटोकॉल प्रोफाइल आपके पास है, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? जो घर साहब कह रहे हैं कि चुनावी खाली जब फायदा उठाने के लिए अगर कोई मुद्दे तैयार हो रहे हैं तो उसका जनता को बहुत ज्यादा कोई फायदा तो होगा। राजू भाई जैसे बोले, शिवसेना ही कधी मुद्द्यावर किंवा निवडणुकीसाठी काम करत नाही। गरज साहेब, मी तुम्हाला पहिले विनंती करतो, जसं राजू भाईने सांगितलं, 25 वर्ष निवडणूक आली की आम्ही पण बघायचं मोठमोठे कटआउट रिडेव्हलपमेंटचं, ठीक आहे, कुणी मुख्यमंत्री साहेबांनी सही केले तो विषय नाही। माझं म्हणण्याचा एकच मुद्दा आहे की शिवसेना साहेब ज्या वेळेला मोरे साहेब बोलले की प्रकल्पग्रस्तांचा विषय, घरत साहेब हेच जर 25 वर्ष आम्ही प्रत्येक वेळेला टॉक शो मध्ये बोलत असतो, हे जर 25 वर्ष तुम्ही म्हणले प्रकल्पग्रस्तांच्या जीवावर तुम्ही मोठे झालेत, आज आम्ही आमच्या वॉर्डच्या लोकांच्या जीवावर मोठे झाले, आमचं कर्तव्य त्या वॉर्डचं काम करणं राजू भाई, तसं त्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जीवावर तुम्ही मोठे झाले सर, म्हणजे आमदार झाले, पालकमंत्री झाले, शिंदे साहेब काय प्रकल्पग्रस्त नाहीत तरी त्यांना प्रकल्पग्रस्तांची आस्था आहे, आणि येणाऱ्या गरज साहेब मी काही वेळ देत नाही, निवडणूक हा शिवसेना किंवा महाविकास आघाडीला मोठा विषय नाही, पण ते आज प्रकल्पग्रस्तांची हालत तुम्ही गावागावात जाऊन बघा काय परिस्थिती आहे, आणि हा निवडणूक येऊ किंवा जाऊ पण महाविकास आघाडीच्या मार्फत रिडेव्हलपमेंटचा विषय, प्रकल्पग्रस्तांचा विषय हा भाई झाल्याशिवाय राहणार नाही, कारण त्याचं कारण शिवसेनेला किंवा महाविकास आघाडीला निवडणुकीसाठी आम्ही नाही, आज 2 वर्ष निवडणूक नाही झाली, आज राजू भाई नगरसेवक नाही, गरजशेठ आम्ही नगरसेवक, नगरसेवक हा किंवा आम्ही एक शिवसैनिक म्हणून तुम्हाला आश्वासन करतो, मोरे साहेबांचा विषय सांगितलाय तो येणाऱ्या काळामध्ये पालकमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब, प्रकल्पग्रस्तांचा विषय असेल, रिडेव्हलपमेंटचा विषय असेल, आता सोसायटी अंतर्गत साहेब कामं होत होती आता बंद आहेत, आम्ही हा निवडणुकीचा विषय असणार। आणि घर साहेब जबाब दीजिए सर, हे काय आहे रिडेव्हलपमेंट बार बार बोल रहे, रिडेवलपमेंट का FSL आने का पहला काम सन्माननीय हमारे आमदार मंदाताई म्हात्रे ने किया, जो कि उसको देवेंद्र डोबी मान्यता दी और वो सैंक्शन किया, तभी शुरू हो गया, ये किया किसने, हमने किया, शुरू अभी हो रहा है मंदाताई, ज्यांना CC दिली ना साहेब, मी स्टुडिओ मध्ये लाईव्ह मध्ये बोलतोय, हे थांबवायचं काम कोणी केलं, तुमच्या BJP लोकांनी, काल एक दाखवा क्लिप फिरत होती राजू भैया, BJP 2 कार्यकर्ते क्लिप फिरत होती की कोर्टात जायचं, स्टे आणायचं, आज का 1 वर्ष काय झालं, आज तुम्ही बोलताय वाशिंग, ही परिस्थिती तुमची आहे, काल तुम्हाला मी क्लिप दाखवतो, त्या क्लिपवर BJP कार्यकर्ते बोलतात की रिडेव्हलपमेंट कोर्टात जायचं, केस करायची, हे पैसे नाही बोलत, कोर्ट मॅनेज होणार साहेब, तुमचीच माणसं, ऐका तुमचीच माणसं जाऊन तिथं कोर्टात गेली, तर एखाद्या रिडेव्हलपमेंटचा विषय किंवा प्रकल्पग्रस्तांचा विषय, प्रत्युत्तर मैं देना चाहता हूँ कि अभी इन्होंने जो स्टेटमेंट किया, गणेश नायक साहब ने ये बोलते हैं इलेक्शन, वो बोलते हैं, मैंने बोला ही नहीं है, पहली बात तो ये जगह पे है, मेरा विषय आप सुनते नहीं हो, विषय कुछ उत्तर अलग देते हो, मेरा मैं
प्रिंसिपल को पकड़ के चलने वाला इंसान हूँ, जो चीज गलत है वो गलत बोलूंगा। बाकी मैंने नहीं कहा कि उन्होंने ये बोला, मैंने क्या बोला आप नहीं समझे। आज 2 साल हो गया, पृथ्वीराज चौहान साहब तो एक बार मुख्यमंत्री थे, 15 साल कितने मुख्यमंत्री थे, उस वक्त क्यों नहीं हुआ ये चीज। उसके पहले जो 25 साल का मैंने बता रहा हूँ, उसके पहले सर मेरा सबसे सिंपल लॉजिक है ये, मुझे क्यों वारंवार बताना पड़ रहा है। हमारे इधर सेक्टर 16 में C2 टाइप के कंपाउंड की आज मैं 15-18 साल से देख रहा हूँ कि उनका बोर्ड 3 बार कलर कर चुके हैं रीडेवलपमेंट के बारे में। मेरा ये कहना है कि अगर उस वक्त में साहब की ताकत इतनी थी कि आज साहब ने हर वक्त जो विषय चाहा वो करके दिखाया है, ऐसा नहीं था कि नहीं था। मेरा सिंपल लॉजिक है कि हमारे लोग सफरर है, आपके लोग सफरर नहीं है, आपके लोगों को उससे कुछ परेशानी नहीं हुई है। हमारे दर के लोग, हमारे साथ के सहकारी लोग, कम से कम 25-30 लोग के ऊपर लोग एक्सपायर हो चुके हैं अभी तक, जिनको आज घर से वंचित है, घर का रिडेवलपमेंट नहीं हुआ है, घर की दशा बहुत खराब है, तो उसके ऊपर क्यों नहीं सोचा गया आज तक, वो प्रोजेक्ट क्यों रुकते हैं। मेरा तो दावा है अगर है तो वो कल के कल चालू करके दिखा दो। वही सोचा ना, वही सोच के तो देवेंद्र जी ने साइन कर दी। तो साइन नहीं, आपको सुन लो, कोर्ट में गए, कुछ गए, नागरिक कोर्ट में गए। सबसे पहले तो किया, सबसे पहले मैं आखिरी सवाल के राजू भाई एक सेकंड। बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस जी ने साइन करने के पहले ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी रेडी हो चुका था, लेकिन जब ये रेडी हुआ था उस वक्त में ही इंटरनल क्यों नहीं हो रहा था। अगर उस वक्त अगर तुम्हारा ये था, क्यों सिर्फ रीडेवलपमेंट नवी मुंबई का ही रुकता था, बाकी हर जगह के फाइल 2 मिनट में साइन होती थी। कोई सुनो अभी मेरा हो गया ना अभी, लेकिन रहा बात, मेरा सिंपल लॉजिक है ना, मैंने आपको बताया रीडेवलपमेंट रुका नहीं रुका, आज तो रीडेवलपमेंट चालू हो गया, क्यों नहीं हमारा C2 टाइप का चालू हो रहा है, उसके पीछे क्या यंत्रणा है। रीडेवलपमेंट का या का सब कुछ देखने वाला पाटकर साहब है, किशोर। आप पाटकर साहब को पूछिए कि ये रीडेवलपमेंट में किसकी ज्यादा हेल्प हुई। पाटकर साहब एक मिनट में सीधा बोलेगा कि मंदाताई नहीं दी, मैंने कही थी इसका नाम। एक एक मिनट राजू भाई, मेरा एक है मदद की हेल्प। एक मिनट मैं आपको करेक्शन करना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई इंचार्ज नहीं है। किशोर पाटकर ने उसके जैसे मैं मेरे सीटू की बात कर रहा हूँ उसी प्रकार उसके यहाँ के लोगों की बहुत दयनीय अवस्था हुई थी, इसके लिए वो उसके पीछे पूरा उसने उसके ऊपर पूरा नियंत्रण एक ही जगह पर किया था। हमारे लोगों को न्याय कैसा मिले, सेक्टर 9-10 के लोगों को न्याय कैसा मिले, हमने तो पहले दिन से बता, मेरा पहला स्टेटमेंट था मंदाताई ने पक्ष विरहित जनहित में लोगों का काम करने का बिड़ा किया है और वो कर रही है। FSI के वक्त भी सबसे पहले गई, मुख्यमंत्री के पास गई, क्यों गई, क्योंकि उसका इंटेंशन लोगों में, और हमारे यहाँ की आमदार है। नहीं, नहीं, मेरा भाई, भाई, एक मिनट, मेरा एक कहना है, 3 साल पहले मंदाताई मात्रे ने देवेंद्र जी साइन करवा के ये FSI बढ़ाया, उसके बाद उसके बाद कहीं नागरिक कोर्ट में चले गए, कोर्ट का इश्यू बन गया, तो उसी टाइम होता था। जो गरज साहब बोल रहे हैं, किशोर पाटकर को क्या तकलीफ हुई ना, मैं कैमरे के सामने लाया बोल रहा हूँ, जो आप बोलते हैं ना मंदाताई ने हेल्प किया ठीक है, लेकिन बात उसको तकलीफ किसने दिया भाई, उसने जो मेहनत किया 20-25 साल, देखो 25 साल जिसने उसने मेहनत किया उसने कितना मेहनत किया। आज जो रीडेवलपमेंट का मैं तो बोल रहा हूँ शिल्पकार है ना, तो किशोर पाटकर साहब, क्योंकि उन्होंने मेहनत किया तो कुछ नहीं, देखो 25 साल में जो किशोर पाटकर जी ने जो मेहनत की भाई, वो मेहनत किसने नहीं की, उसका शिल्पकार किशोर पाटकर है, और उसको ज्यादा हेल्प किसने किया, गार्डन मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब, खासदार राजन विचारे साहब, उपनेता विजय नहटा साहब, वो उन्होंने तो मेहनत की है, मंदाताई है तो देखो फाउंडर है, किसने दिया, उन्होंने तो मूल बनाया, रोपला लगाया 3 साल, मतलब उसके पहले किसने 3 साल किसने काम ही नहीं किया, एक मिनट करने दिया नहीं। अभी सबसे पहले तो रामदेव गरज साहब ने अभी बोला 3 साल पहले मंदाताई ने FSI का विषय लिया, हम तो ताई का अभिनंदन कर चुके हैं, लाया लिया नहीं, लाया बोला लाया ही बोला विषय नहीं लाया किया, लाया ही मैंने बोला आपको, मेरा हिंदी बहुत अच्छा है सर, लाया ही बोला मैंने, लिया नहीं बोला, लाया, लेकिन हम उसका अभिनंदन करता हूँ, लेकिन इसके पहले इसका मतलब किसी ने विषय नहीं लिया, करने नहीं दिया, अरे करने वाले कौन थे, कौन था, अगर होता है तो यहाँ के मिनिस्टर से होता था, तो यही हमारा कहना है आज भी, किया तो भी CM ने किया, हमारा आज भी वही कहना है, तो भी देवेंद्र फडणवीस CM ने किया, मंदाताई ने इसका पाठ पूरा किया। घर साहब, हम आखिरी सवाल की तरफ जाते हैं,
तमाम मुद्दे हैं जिसको लिए निश्चित तौर पर रीडेवलपमेंट का मामला बहुत ही सीरियस रहा। लोग खतरे के साए में जीने के लिए मजबूर है, इसलिए रीडेवलपमेंट होना चाहिए। 30-40 साल पुरानी इमारतें थी और जिसने भी इसके लिए पहल किया निश्चित तौर पर उसकी सराहना होनी चाहिए। मंदाताई ने भी उसमें बड़ी मदद की, उन्होंने लाया। पिछले की सरकार ने सारे निर्णय कर लिए थे, सिर्फ जीआर नहीं निकला था, उसके लिए पहल हुई और सरकार ने किया। ये जनता के लिए करना सरकार की जिम्मेदारी है। अभी फिलहाल महानगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं, तो मैं घरत साहब से ही सवाल सबसे पहला पूछना चाहता हूं, संक्षेप में मैं चाहूंगा आपसे जवाब कि क्या खास मुद्दे अब रहेंगे। जैसे कि आप लोग कहते हैं कि नवीमुंबई का पूरा डेवलपमेंट हो चुका है, स्मार्ट सिटी के तौर पर यह विकसित हो चुकी है, तो अब इस चुनाव में 2022 के महानगर पालिका चुनाव में क्या प्रमुख विकास के मुद्दे रहेंगे जो लेकर आप लोग जाएंगे? देखो सर, विकास कभी पुराने होता है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नए नए कुछ विषय आते हैं, उसके तरफ चलना पड़ता है। और आज तक के इतिहास में नायक साहब ने इस विजन को ही पाला है, पोसा है, क्योंकि उनको विकास का विजन है। उनके बड़े बड़े विजन थे, ये सारे एलिवेटेड रोड ये वो सब उनके विजन से आए हुए हैं, जिनके देवेंद्र जी ने भूमि पूजन किए हुए। तो हमारा तो इस इलेक्शन में जाने के पहले यही एक मुद्दा रहेगा कि हम लोग विकास की ओर जाएंगे ना, हम लोग राजनीति की ओर जाएंगे। हमको किसको गिराने का नहीं, हमको जीतने का है। हमको जीतने का इसके लिए है कि हमको विकास करना है, और विकास विजन के लिए बहुत सारे है, एलिवेटेड रोड है, फिर स्काई वॉक है, फिर अच्छे अच्छे रोड्स है, फिर सुपर हॉस्पिटल्स है, ये सारे विकास के विजन में आते हैं और उसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमें राजनीति करने नहीं, हमको किसी को हराना नहीं, हमको जीतना है। वो भी हमको जीतने के लिए नंबर चाहिए, वो तो हम आराम से जीतेंगे ही, और आने वाले टाइम में हमको हम जीत के हमारा ही इस नवंबर महानगर पालिका पर दोबारा बीजेपी का झंडा आएगा। हमारे साहब क्या कहना चाहेंगे आप? आप लोग अभी तीन पार्टी हैं, शिवसेना कहती है कि भगवा फहराएंगे, कांग्रेस कहती है हमारा महापौर बनेगा, एनसीपी एकदम खामोश है। ये क्या कहना चाहेंगे आप लोगों की तमाम मीटिंग हो चुकी है कि बीजेपी को परास्त करना और किसका बनेगा महानगर पालिका में महापौर बनाएंगे? तुम्ही बघितलं असेल, राजू भाई पण कोर कमिटीमध्ये आहे घरत साहेब। आमचे महाविकास आघाडीचे, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेनेचे सर्व नेते, महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव साहेब असतील, पालकमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब असतील, अजितदादा असतील, थोरात साहेब असतील, आणि इथले सर्व मंडळी, नाटा साहेब असतील, खासदार साहेब असतील, यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही नवीमुंबई महानगरपालिकेवर, जसं घरत साहेबांनी सांगितलं की आम्ही कुणाला हरवायसाठी नाही, पण आम्ही महाविकास आघाडी गेली 25 वर्ष नवीमुंबईतील जो नागरिकांना विकास झाला नाही, हे बोलतात विकास झाला, पण आम्ही महाविकास आघाडी विकास अजूनही आम्हाला विकसित देशामध्ये नवीमुंबई वरती न्यायचे, त्याच्यासाठी महाविकास आघाडीच्या मार्फत आम्ही रिडेव्हलपमेंटचा विषय आता चालू केला पालकमंत्री साहेबांनी, सोसायटी अंतर्गत कामं, साहेब तुमची सत्ता होती, सोसायटी अंतर्गत कामं नाटासाहेब आयुक्त होते, तेव्हा केली, नंतर कुठे बंदच केली। सोसायटीमध्ये आज काय परिस्थिती, ड्रेनेज लाईन किती खूप ड्रेनेज लाईन, तुमचा रिडेव्हलपमेंट, असे दोन तीन विषय घेऊन महाविकास आघाडीचा भगवा जो पहिली सत्ता शिवसेना चीच होती, ती सत्ता येणाऱ्या काळामध्ये महाविकास आघाडी सत्ता येण्यासाठी आमचे सर्व वरिष्ठ नेते मंडळी त्या ठिकाणी काम करतील। महाविकास आघाडी में कोण काँग्रेस, राष्ट्रवादी, काँग्रेस नाव बोल रही है, बघू ना, आम्ही काँग्रेस नाव बोल रही है। मैं सवाल पूछने वाला था काँग्रेस के, तो प्रदेश अध्यक्ष खुद ही बोल रहे हैं कि भाई हम अकेले अपने दम पर लड़ेंगे, तो किस आधार पर आप जिल्हा अध्यक्ष बोल रहे हैं? कसं होतं, तुम्ही शेवटी पक्ष, आज तुम्ही बोलला की युती होणार नाही, युती होणार, तर कार्यकर्ते मग शेवटी पक्ष बघा, प्रत्येक पक्षाचं ध्येय धोरण वेगळे, प्रत्येक पक्षाची भूमिका वेगळी, पण आमच्या वरिष्ठ नेत्यांची भूमिका हीच आहे की नवीमुंबई महानगरपालिकेमध्ये हे बोलतात की आम्हाला विजय व्हायसाठी नाही, पण आम्हाला आमच्या डोक्यामध्ये एकच एम आहे की गेली 25 वर्षे ह्या सत्ताधाऱ्यांचे काम केलं नाही, त्यांना जर घरी बसवायचं असेल तर महाविकास आघाडीच्या नेतृत्वाखाली नवीमुंबई महानगरपालिका निवडणूक चुनाव निवडणूक लढली जाईल, हे मी आश्वासित करतो। महापौर कोणता बनेल? महापौर कसा बनेगा सर? राजू भाई अगर हम इस गणेश नाईक के एनसीपी में रहने तक की अगर बात करें तो यहाँ सत्ता आपकी ही पार्टी की थी और एक छत्र एक तरह से मैं राज्य था, अब एनसीपी एकदम खामोश है, शिवसेना कहती है कि अपना हम महापौर बनाएंगे, एनसीपी की सत्ता रही है, एनसीपी की क्या भूमिका है? एनसीपी की भूमिका उस वक्त भी एनसीपी की ही सत्ता यहाँ पर थी, जैसे इन्होंने बताया अभी थोड़ी दूसरी बार हम सत्ता लाएंगे, मैं करेक्शन करना चाहता हूँ कि सत्ता एनसीपी की थी, आप पहली बार सत्ता आपकी अगर अच्छे से बोलते हो तो ऐसे बोलो कि पहली बार नहीं
क्योंकि चार महीने पहले चार महीना तो कुछ नहीं होता है। सत्ता जो मर्ज होना और हम इलेक्टेड के ऊपर भरोसा करते हैं, हम मर्ज के ऊपर नहीं करते। आपका महापौर बनेगा क्या? हमारा महापौर 100% बनेगा, महाविकास आघाड़ी का महापौर बनेगा। आप सुन रहे हैं, सबसे बड़ा तो सबसे पहले आदमी ने सुनना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरा पूरा स्टेटमेंट होने दो, आधे स्टेटमेंट का अर्थ अलग निकलता है, कम्प्लीट होने के बाद अलग निकलता है। महाविकास आघाड़ी जिस प्रकार के शासन में महाराष्ट्र राज्य में अच्छे प्रकार से काम कर रही है, उसी प्रकार का निर्णय मुझे दावा है और मैं निश्चिंत हूँ कि नवी मुंबई महानगर पालिका में भी महाविकास आघाड़ी का ही निर्णय लिया जाएगा। ऐसे मैं राष्ट्रवादी पक्ष की तरफ से मानता हूँ। देखिए क्या होगा, आपका बैठेगा कि नहीं? महापौर महाविकास आघाड़ी का ही बैठेगा, महाविकास नहीं बैठेगा। हमारी लड़ाई उसके महापौर की नहीं है। हमारी लड़ाई यहाँ पर सिर्फ लोगों को न्याय देने के लिए, और हमको किसी को हराना है या जीतना का विषय नहीं है। हम काम कर रहे हैं, हमारे शासन में अच्छा काम हुआ है और लोगों का भी मालूम पड़ गया है किसको क्या क्या आश्वासन दिए गए थे, किसको 15 लाख मिलने वाले थे, किसको क्या मिलने वाला था, 2 करोड़ सर्विस मिलने वाली थी, डीजल पेट्रोल का रेट क्या है। ले लो। हाँ बोल रहा हूँ, मैं डीजल पेट्रोल का रेट का भी बताऊंगा, आ रहा हूँ मैं। आज मैंने देखा है कि डीजल पेट्रोल का इनका दावा है कि ये कहेंगे कि कांग्रेस प्रशासित प्रदेश में ये डीजल पेट्रोल के रेट ज्यादा है और हमारे इधर जिधर भाजपा की सरकार है उधर डीजल पेट्रोल के रेट कम है। आज भी CGST के ऊपर चलने वाला पूरा देश महाराष्ट्र को क्यों वंचित रखा जाता है? अगर इतना ही ये विरोध कर रहा है, अजीत पवार विरोध कर रहा है। अजीत पवार किसको विरोध कर रहा है? GST को किधर विरोध कर रहा है? देखो अगर किया होगा तो अरे भैया तो मैं संन्यास लूंगा या आपको संन्यास। अरे मैं क्यों संन्यास लूंगा, बोला होगा तो। मेरा पूरा बात नहीं सुन रहे हो? CGST का पैसा कौन जमा करता है? देखो मेरा क्या कहना है, उसका गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आधा पैसा आ जाता है। अरे उसका पैसा देना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सर हमारे महाराष्ट्र टारगेट फिक्स है, वो टारगेट से कम अगर वसूली होता है तो उसका टारगेट पूरा करने का सेंट्रल गवर्नमेंट का दायित्व है कि वो स्टेट को देवे। भैया स्टेट को कौन सा पैसा आता है? जो कम आता है वो देश का आता है। गए 2 साल के अंदर आपको पूरा, अरे आपको अभ्यास नहीं है, आपको बहुत स्टडी है तो आप उत्तर दो। अभी मेरा देता हूँ, दो साल में कोविड के दरमे काल में सब बिजनेस ठप थे, धंधा नहीं था, कोई व्यवसाय नहीं हो रहा था, तो CGST कौन किधर से भरेगा? CGST कब भरा जाता है? तुम्हारा व्यवहार ट्रांजेक्शन होगा तो तुम CGST भरते हो। मेरा वो कहना है कि CGST यहाँ पे लागू करने का अधिकार शासन को है। CGST के नाम पे, सेंट्रल CGST के नाम पे जो पैसा जमा किया गया है महाराष्ट्र के कोटे का, वो क्यों नहीं दिया जाता है वो मेरे को मत बताओ। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है मेरा, नहीं नहीं आप इकोनॉमीज में देख लो, अभी क्लिक कर लीजिए कि महाराष्ट्र को आज भी कितना देना है। नहीं मेरा नहीं, 1 रुपया भी नहीं। जो डेट फिक्स है वो डेट पे मिलेगा, कुछ पैसा नहीं मिला मेरा। और दूसरा है कि जो नवी मुंबई में महानगर पालिका के माध्यम से जो सबसे बड़ा इशू है हॉस्पिटल का, आरोग्य के दृष्टिकोण से हमें बहुत कुछ करना है। और मैं दावा करता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा हमारा मैनिफेस्टो में रहेगा कि आरोग्य से निगड़ित सुपर स्पेशलिटी के दर्जे पे हमारे हॉस्पिटल, जो आज एक बड़ी बड़ी मंजिले इमारतें बनाई गई है, करोड़ों रुपया खर्चा किया है, लेकिन उसमें कोई भी OPD के अलावा कुछ नहीं है, लेबर वार्ड के अलावा कुछ नहीं है। क्यों आज हर नेरुल के लोगों को वाशी आना पड़ता है? वाशी में जगह कम होने के बावजूद वहाँ पे जे जाओ, सायन जाओ, नायर जाओ या किधर भी जाओ। तो मेरा कहना है कि सबसे पहले तो हॉस्पिटल का दर्जा सुधरना चाहिए, उधर सुपर स्पेशलिटी होनी चाहिए कि जहाँ के यहाँ के आखिरी इंसान को यहाँ सेवा मिलने का काम हो। एजुकेशन का दर्जा बहुत अच्छा है और भी अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि देखिए विकास है जो शहर का विकसन होना चाहिए वो हर वक्त अपग्रेड होता रहता है। जिस प्रकार आप चाहते हो, 15 साल पहले हमारे पास कौन सा मोबाइल था, आज 5 साल पहले कौन सा था, आज कौन सा है, तो अपग्रेडेशन ये हर चीज़ में होनी चाहिए। जिस प्रकार से एजुकेशन हो, यहाँ की हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था बहुत अच्छे प्रकार से चल रही है, NMT आज हम लोग BST को भी अच्छे प्रकार से बीट करते हैं। तो इसका कहना किसी एक व्यक्ति को नहीं जाता है, यहाँ की यंत्रणा, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जो कर्मचारी है उन्होंने किया हुआ काम ही मिलता है। आज हमको इंडिया में 2nd नंबर है, देश में हमको 2 नंबर का मिला पारिश्रिक, ये सिर्फ किसी एक को नहीं मिला, आप और हम नहीं दे रहे हर जगह पे। यहाँ पर सामान्य यहाँ का श्रेय, यहाँ अरे मैं बता रहा हूँ सर आपको, यहाँ का श्रेय यहाँ के साफ सफाई कामगार हैं, यहाँ के कर्मचारी हैं जिनके वास्ते रास्ता साफ हुआ और इनका नियंत्रण करने वाले आज 2 साल में तो प्रशासक था।
तो सर सर मैं एक बात, इन्होंने जो कहा पेट्रोल डीजल का, पेट्रोल डीजल का उन्होंने कहा, आज पेट्रोल डीजल गोवा में 11 रुपए कम है, कर्नाटक में 9 रुपए कम है, और यहाँ पे मध्य प्रदेश में 9 रुपए कम है, महाराष्ट्र में 11 और 9 रुपया ज्यादा क्यों? कम करो ना, सब सारे स्टेट ने कम किया, आप क्यों कम नहीं कर रहे हैं? और जीएसटी के बारे में सीधा स्टेटमेंट दिया, जब हम लोग चालू हो रहे थे उनका भी एक कमेटी है, सब जितने भी अर्थमंत्री है वो सब उसमें बैठे हुए हैं, वो सब वहाँ पे महाराष्ट्र से अजित पवार ने साफ उनको इनकार कर दिया जीएसटी में नहीं लाला, हमको वही तो मसल मिलता है। मैं पेट्रोल डीजल का जीएसटी में लाने के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको क्या बोला आपने सुना नहीं, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड नहीं, बकाया की बात की है, सीजीएसटी में लेना नहीं है, वो यहाँ के अर्थमंत्री का काम है, और मेरा कहना है कि सीजीएसटी का जो हमारा बकाया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहिए वो क्यों नहीं देते, क्योंकि हेतु पुरस्कार महाराष्ट्र शासन को किस प्रकार नेग्लेक्ट किया जाए, दबाने का काम हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। एक आखिरी क्लोजिंग कमेंट आप लोगों से चाहिए, मैं एक सवाल आखिर में क्लोजिंग में जाना चाहता हूं, माने साहब क्या कहेंगे आखिर जनता, जो 2 साल तो पैंडेमिक का चला गया, इसमें कुछ भी बहुत कुछ साफ नजर नहीं आता है कि आपने कितना काम किया, जो एग्जिस्टिंग विकास है वो साफ तौर पर दिख रहा है, एक लाइन में अगर कहें तो क्या कहेंगे आप नवीन भाई करों से जो आपके साथ रहेंगे, महाविकास आघाड़ी को ही वो सत्ता देंगे? माझी नवीन भाई करांना विनंती आहे की गेली 25 वर्ष तुम्ही समोरच्यांची सत्ता बघितली, या वेळेला महाविकास आघाडी सत्ता देऊन जर आपल्याला विकास करायचा असेल आणि नागरिकांना जसं राजूभाईने सांगितलं आरोग्य असेल, रिडेव्हलपमेंट हे विषय जर करायचे असतील, त्यावेळेला महाविकास आघाडीची सत्ता येईल। क्या कहेंगे सर आप गरज साहब? नवी मुंबई शहर विकास के मुद्दे पर बहुत अच्छी तरह चल रही है, आज मैंने अभी भी कहा कि पूरे इंडिया में 2 नंबर की रहने वाली सिटी नवी मुंबई है, तो उससे यही सब पता चलता है, वही सब मालूम पड़ता है कि नवी मुंबई का अच्छा विकास हुआ है, लेकिन विकास करते करते नए नए टेक्नोलॉजी जो आते हैं उसको भी यहाँ पे लाना पड़ेगा, और वो लाने का काम सम्मानीय हमारे आमदार गणेश जी नायक साहब, सम्मानीय हमारे मंदाताई महात्रे जी हैं, वो दोनों लगे हुए हैं और बहुत अच्छी तरह से चल रहे, सब नागरिक समझते हैं, सब नागरिक इस निबोमे में रहने वाले दोनों आमदार के संपर्क में है, इस निगम में रहने वाले लोग क्या थाना नहीं जा पाएंगे, ना बारामती जा पाएंगे, ना नागपुर जा पाएंगे, ये तो निबम्बे के ही निबम्बे में भी काम करना चाहेंगे, तो निबम्बे के जो लोग हैं वो सारे समझते हैं कि निबम्बे के 2 आमदार और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ते जब भी कोई ऐसा प्रसंग आता है उसमें एकदम लगन से काम करते हैं, और इसके लिए निबम्बे की जनता इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगी, और आने वाले दिन में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का ही महापौर बनेगा। सिंधी साहब क्या कहना चाहेंगे, महाविकास आघाड़ी में जिस तरह के खींचतान है इसके बावजूद भी कैसे आप दावा कर सकते हैं? महाविकास आघाड़ी में किसी प्रकार की खींचतान नहीं है, अगर खींचतान का ही विषय है तो इसके पहले युति सरकार थी, तो आप देखोगे कि हर दूसरे दिन मंत्री एक दूसरे के बारे में बोलते थे, तो खींचतान का विषय नहीं आता है। यहाँ पर नवी मुंबई महानगर पालिका के आने वाले इलेक्शन में यहाँ पर हमारे सम्मान्य जितेंद्र आवार साहब हैं, शशिकांत शिंदे साहब हैं, हमारे गावड़े साहब अध्यक्ष हैं, प्रशांत पाटिल जी हैं, नामदेव भगत हैं, इसके अलावा जो यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पे कायापलट करने का काम, और जो अभी तक प्रलंबित प्रश्न थे, रीडेवलपमेंट का विषय है, आरोग्य से निगड़ित है, शिक्षण से विपरीत है, यहाँ पे कोस्टल रोड का है, वाटर रोड का है, ये सब चीज़ों का निर्णय लेने की क्षमता रखने वाले हमारे पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, और जिनका नियोजन अब ये बोलते हैं कि थाना को जाएगा और बारामती जाएगा, सर मेरा दावा है कि ये 2 मंत्री इतने सक्षम है कि इंस्टेंट डिसीजन लेने का काम पूरे महाराष्ट्र ने पूरे देश में करने का काम अगर कोई करता है तो अजीत दादा पवार का है। नाटा साहब का नियोजनबद्ध कार्यक्रम, महाविकास आघाड़ी ने हम लोगों ने आज तक नवी मुंबई में इसके पहले जिसको जिताया है, जो पार्टी को, उसको ही वापस जिताएगी, क्योंकि यहाँ पे आपके मालूम है यहाँ पे राष्ट्रवादी की सत्ता थी, और राष्ट्रवादी की ही सत्ता को वापस यहाँ पे न्याय देने का काम महाविकास आघाड़ी के माध्यम से निर्णय जनता लेगी, और क्यों लेगी, क्योंकि अभी तक भी अगर प्रलंबित प्रश्न का निर्णय करने की क्षमता यहाँ के पालक मंत्री और जितेंद्र आवार साहब ने किया है, तो इसका श्रेय महाविकास आघाड़ी को अवश्य जाता है। लोग कामों को वोट करेगी, काम यहाँ पे लोग सुतने लोग हैं, यह हमारा शहर पूरा कॉस्मोपोलिटन शहर है, कोई एक जाति धर्म का नहीं है, यहाँ पे सभी जाति धर्मों को न्याय देने का काम महाविकास आघाड़ी के माध्यम से किया गया है, और मैं आश्वासित हूँ कि महाविकास आघाड़ी के हर घटक को
वोट करें, यहाँ के नवी मुंबई के लोग साथ देंगे, सहकार्य करेंगे और आने वाले भविष्य में हाईटेक शहर कैसे बनेगा इसका श्रेय भी देंगे। धन्यवाद। ठीक, बहुत बहुत सभी मेहमानों का, हमारे बहुत बहुत आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम आपने सवालों का जवाब दिया, नवी मुंबई के विकास से जुड़े हुए मुद्दे, नवी मुंबई चुनाव को लेकर, प्रभाग रचना को लेकर और आने वाले विकास के विजन को लेकर जो आप लोगों ने तस्वीर रखी है अपने अपने पक्ष की तरफ से और महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से, निश्चित तौर पर जनता इसे देख रही है। अब ये जनता के दरबार में ही फैसला है कि आने वाले चुनाव में वो महाविकास आघाड़ी को सत्ता देगी, महाविकास आघाड़ी का महापौर बनाएगी या बीजेपी को, गणेश नाइक जी को दोबारा सत्ता में बिठाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस बार का चुनाव विकास के प्रमुख उन मुद्दों पर लड़ा जाएगा जिसको लेकर जनता आज तक परेशान है और जो भी इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करेगा निश्चित तौर पर जनता उसके साथ रहेगी। आज के परिचर्चा में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, लेकिन बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी वन इंडिया। नमस्कार। 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 लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।